जो सबसे पहली वैक्सीन है वो है आपकी पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेंटावेलेंट वैक्सीन्स है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन्स को इंक्लूड किया गया है और कब ये लॉन्च की गई थी या कब इंडिया में इसको लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो पेंटावेलेंट है यानी पांच वैक्सीन का एक कॉम्बिनेशन है, सबसे पहला आता है उसमें डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। सेकेंड आता है पर्टिस, थर्ड आता है टिटनेस, टिटनेस। फोर्थ आता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। और लास्ट है एच आई वी वैक्सीन। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो वैक्सीन कब कब दे सकते हैं, यानी जो टाइम होगा इसका देने का, जो टाइमिंग है या गिवन। तो इसका जो टाइम रहता है वो रहता है सिक्स सिक्स वीक पहला, 10 वीक और 14 वीक। ये तीन इसकी डोज रहती है। और इसका जो रूट रहता है पेंटावेलेंट वैक्सीन का वो रहेगा आईएम, रूट रहेगा आईएम। आईएम रूट से इस वैक्सीन को दिया जाता है। उसके बाद में जो इसकी डोज होती है, डोज रहेगी 0.5 ml, 0.5 ml। और जो इसकी साइट रहती है वो रहेगी लेफ्ट थाई, लेफ्ट थाई पे इसको यूज करते हैं। साइट कौन सी रहेगी? लेफ्ट थाई। लेफ्ट थाई पे इसको यूज करेंगे। उसके बाद में इसके अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मोस्टली जैसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती है उनमें नहीं देते, और सीवियर रिएक्शन जैसे शॉक वगैरह कोई कंडीशन होती है, फीवर होती है 100 से अबव, तो उस कंडीशन में सीरियस जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उस कंडीशन में पेंटावेलेंट रिएक्शन को नहीं देते। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में या सीवियर रिएक्शन जैसे शॉक जैसी कंडीशन है और अगर फीवर है उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता। उसके बाद में इसका स्टोरेज टेम्परेचर बता देता हूँ। स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर करते हैं, 2 से 8। अब ये जो पेंटावेलेंट वैक्सीन थी, पेंटा वायलेंट वैक्सीन थी, उसको इंडिया में लॉन्च किया गया था, वैक्सीन लॉन्च हुई थी इंडिया में या इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन इंडिया में। और जो डेट थी 1 नवंबर 2014, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में इसका रूट है वो भी पूछा जा चुका है, तो अदर आपको पता होना चाहिए। और ये 500 जो पेंटावेलेंट के 500 कॉम्बिनेशन है, डिप्थीरिया, प्रोटीज और टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और एच आई बी, ये तीन 500 का पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से आने वाला। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो गया है, तो स्पेशली इस चीज का ध्यान कर लेना। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ध्यान रखना है कि कभी भी सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में नहीं देते, और न्यूरोलॉजी के सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें आपको प्रोटीज वैक्सीन भी होती है वो भी यूज नहीं करते, यानी डीपीटी वैक्सीन भी यूज नहीं करते हैं डिप्थेरिया और इनमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका पेंटावेलेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूमोकोकल्स कॉन्जुगेट्स वैक्सीन कौन सी, सेकेंड है आपका। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, तो इस वैक्सीन के लिए बता देता हूँ, इसको मेनिंजाइटिस के लिए यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, मेनिंजाइटिस के लिए इसको, या न्यूमोनिया वैक्सीन भी बोल रहे थे इसको, जिसका रूट आपका था आईएम, रूट था आईएम। और ये जो फ्रिज थे फ्रोजन करने की कंडीशन थी उस कंडीशन में इसको डिस्कार्ड किया जा रहा था, ठीक है। तो ये अगर बात करते हैं कि डायरेक्टली किस में यूज करते हैं, तो मेनिंजाइटिस के प्रिवेंशन के लिए इसको यूज किया जाता है, किसके मैंने सॉरी ये निमोनिया के लिए यूज की जाती है, निमोनिया के लिए यूज किया जाएगा।
न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसका जो रूट था वो क्या है, अगर इसके रूट की बात करें तो रूट है इसका आईएम, इसका रूट रहेगा आईएम, या न्यूमोनिया वैक्सीन भी बोलते हैं, न्यूमोनिया कोकल कॉन्जर्वेटिव वैक्सीन है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, पीसीबी बोल रहे हैं। इसको कभी भी फ्रोजन्स नहीं करते, यानी फ्रिज में नहीं रखने वाले। अगर फ्रोजन्स की कंडीशन आती है, जो फ्रिज चैम्बर होता है उस कंडीशन में नहीं रखते। फ्रोजन्स करने के बाद अगर फ्रोजन्स हो गई तो ये फ्रोजन सेंसिटिव वैक्सीन है, यानी फ्रोजन सेंसिटिव वैक्सीन है। अगर फ्रोजन्स कर दिया गया है इसको, तो उसके बाद में इसको सिर्फ डिस्कार्ड करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर फ्रोजन्स ऑफ पीसीबी वैक्सीन क्या करोगे, तो आपको डिस्कार्ड करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाए डिस्कार्ड कब करना है, तो उस कंडीशन में करना है, ठीक है। उसके बाद में जो न्यू न्यूमोनिया जो लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जेपी नड्डा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था, और इसी को जो बैक्टीरिया न्यूमोनिया कोकिस का इन्फेक्शन हो रहा था उसको प्रिवेंशन के लिए इसको यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद में इसकी अगर डोज की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं कि कब कब दे सकते हैं, तो इसकी जो डोज होती है 6 और 14 वीक्स पे मोस्टली दी जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डोज कितनी रहेगी, तो ये आपके जो पीसीवी वैक्सीन है इसकी डोज सेम रहने वाले 0.5 ml, 0.5 ml। उसके बाद में रूट आपको बता दिया, आईएम रूट से देंगे। साइड इसकी जो आपके राइट थाई होती है उस पर यूज करते हैं, राइट थाई में बच्चों में यूज करेंगे। और कॉन्ट्राइंडिकेशन रहने वाला है इसका सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इसको यूज नहीं किया जाता, सीवियर एलर्जिक कंडीशन में इसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने ओपीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, ये डेवलप हुई थी, एल्बर्ट सेबिन ने इसको डेवलप किया था। और फर्स्ट टाइम अगर कॉमर्शियल्स यूज की बात करें, यानी इसको डेवलप किसने किया था, ये क्वेश्चन भी बनता है, डेवलप किया मेड या किसने इसको बनाया था, डेवलप किया था इसको एल्बर्ट सेबिन ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेबिन वैक्सीन भी बोलते हैं, ठीक है। सेबिन ने इसको किया था, सेबिन वैक्सीन भी बोलते हैं। उसके बाद में ये कम, यानी कम इनटू कमर्शियल्स यूज, अगर कमर्शियल्स यूज की या नॉर्मली बात करें, यूज कब आनी शुरू हुई थी, तो ये आई थी 1961, 1961 में इसको यूज करना स्टार्ट किया था, ठीक है। उस कंडीशन ओपीवी वैक्सीन होती है उसकी 4 डोज मोस्टली दी जाती है, और एक बूस्टर डोज मिलेगी। अगर ओपीवी जो फर्स्ट डोज दी जाती है उसको बोलते हैं ओपीवी 0, ओपीवी 0 आप कब कब दे सकते हो, तो ये होता है 8 बर्थ से विद इन 15 डेज, 8 बर्थ टू 15 डेज, यानी जो ओपीवी 0 डोज है वो कब तक दे सकते हैं, मैक्सिमम 15 दिन तक दे सकते हैं। उसके बाद में ओपीवी फर्स्ट की और सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, कंटिन्यू ओपीवी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो डोज होगी वो 6, 10 और 14 वीक पर देंगे, ठीक है। ये कब कब देंगे, 6, और जो फर्स्ट होगी वो 6 पे देंगे, सेकंड होगी 10 वीक पे, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट रहेगा 14 वीक। उसके बाद में आता है एक ओपीवी बूस्टर, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन जो बूस्टर डोज आएगी वो देते हैं 16 टू 24 वीक। अब बात आती है कि ओरल पोलियो वैक्सीन के अप टू एज कितनी रहेगी, यानी कितनी उम्र तक इसको यूज कर सकते हैं। ओपीवी वैक्सीन है उसको अप टू कब तक दे सकते हैं बच्चों में, अप टू यूज, या अप टू यूज करेंगे इसको, अप टू एज है इसकी 5 ईयर, 5 ईयर तक इसको बच्चों में दे सकते हैं। 5 साल के बाद में ओपीवी वैक्सीन को यूज नहीं किया जाता। और लगभग जो इसका रूट रहेगा, रूट नाम से ही है, ओरल रहने वाला है। अगर रूट की बात करें तो ओरल रहेगा, और डोज की बात करें तो इसका जो चैंपियन चलता है 2 बूंद जिंदगी की, तो 2 ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद में इसको स्टोर कर सकते हैं, टेम्परेचर जो स्टोर टेम्परेचर रहेगा, जो स्टोर टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा आपका 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद में इस टेम्परेचर पे इसको अपने 6 मंथ तक स्टोर
हैं। ध्यान रखना कि 6 मंथ तक इस पे स्टोर कर सकते हैं, इस जो टेम्परेचर है इस पे अपने 6 मंथ तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी स्पेशली ध्यान रखना, टेम्परेचर वाला बहुत बार पूछा जाता है, वो 6 मंथ तक इसको स्टोर कर सकते हैं। ओपीवी जो बूस्टर जो 0 डोज होती है उसके लिए क्वेश्चन बनता है कि ओपीवी 0 डोज कब तक दे सकते हैं मैक्सिमम, तो 15 डेज तक दे सकते हैं। इसको सेबिन वैक्सीन भी कहते हैं। और इसका जो कॉमर्शियल यूज आया था वो था आपका 1961 में, इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट वैक्सीन देखते हैं, आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आईपीवी की अगर बात करें तो आईपीवी जो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन थी, ये क्या थी, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन थी। ध्यान करना कि ओपीवी सेकंड है ना कि फर्स्ट, ये फर्स्ट पोलियो वैक्सीन थी जो अभी यूज नहीं करते हैं, ओरली ओपीवी यूज करते हैं। इसको जॉन साल्क थे उसने डेवलप किया था, ठीक है। डेवलप किसने किया था इसको, जॉन साल्क था, इसलिए इसको साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। और जो कब आई थी, या कॉमर्शियल यूज की बात करें, कम इंटू 1955 में आ गए, 1955 में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। उस टाइम इसका जो रूट था वो आईएम प्लस में, आईएम या सबकुटेनियस रूट से इसको दिया जाता था, ठीक है। अभी इसको मोस्टली यूज नहीं करते हैं, कुछ कंट्रीज में यूज कर रहे हैं। उसके बाद में डोज की अगर बात करें तो डोज 0.5 ml, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी एक्यूट और फाइब्रेट इलनेस थी उसमें, और डायरिया और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसको क्या किया गया था, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया था, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया था उसमें। उसके बाद में यहीं पे एक और वैक्सीन देखेंगे नेक्स्ट, रोटा वैक्सीन, जिस पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। रोटा वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, नॉर्मली जो डायरिया होता है बेबी में वो होता है रोटा वायरस की वजह से, उसको रोकने के लिए, यानी जो डायरिया एक डेथ का कॉज बना हुआ है उस वजह से, जो लीडिंग कॉज होता है सीवियर डायरिया अंडर 5 जो चाइल्ड थे, जो मैंने बताया था कि जो अंडर 5 चाइल्ड है, अंडर जो 5 ईयर चाइल्ड था उसमें जो डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, डायरिया, ठीक है। अब ये जो डायरिया हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, रोटा रोटा वायरस की वजह से, ये जो हुआ मोस्ट कॉमनली अगर बात करें तो रोटा वायरस की वजह से हो रहा है। उसके लिए यूनिवर्सल जो प्रोग्राम था, यानी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें रोटा वायरस को ऐड किया गया या लॉन्च किया गया। तो लॉन्च कब हुआ था, यानी शॉर्ट फॉर्म में यूआईपी में इसको लॉन्च किया गया था मार्च 26 को, और 2016 में, 2016 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। उस कंडीशन में उसके बाद में इसका जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन बना जाता है वो है इसका रूट का, कि रूट क्या रहेगा। तो इसका जो रूट रहता है ओरल रहेगा, ओरल रूट से इसको यूज करते हैं। और जो इंडिया में अगर फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो इसमें 4 स्टेज थे, जो फर्स्ट फेज थी लॉन्च किया गया था तब, उस कंडीशन में सिर्फ 4 स्टेज में इसको यूज किया गया था। जो स्टेट थे जैसे ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में फर्स्ट फेज में इसको यूज किया गया था। तो रूट का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है कि किस रूट से रोटा वायरस वैक्सीन को यूज करते हैं, तो रोटा वायरस वैक्सीन को ओरल रूट से यूज करने वाले हैं। उसके बाद में एक है आपका एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन के लिए एक बात बता देता हूँ कि एचपीवी वैक्सीन होती है जो सर्वाइकल कैंसर को, जो है आपका वायरस होता है हेरपेक्स पेपिलियो वायरस या एचपीवी वायरस, उसकर यानी किसके लिए यूज करें इसको, प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में मोस्टली देखने को मिलती है उनको प्रिवेंशन करना है, अपने को सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन करना है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए एचपीवी का जो वैक्सीन है वो दी जाती है। तो इसका जो रूट रहेगा, रूट रहता है इसका आईएम, आईएम रूट से इसको देते हैं। और अगर एज ग्रुप की बात करें या कब तक दे सकते हैं, तो इसको अप टू फर्स्ट इंटरकोर्स तक दे सकते हैं, अगर फर्स्ट इंटरकोर्स या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स,
जब तक फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती है तब तक इसको यूज किया जाता है, और ये एक ऐसी वैक्सीन है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है, मेल में इसका कोई काम नहीं है, यानी मेल में इसको यूज नहीं किया जाएगा। तीन टाइप की इंडिया में वैक्सीन है, ये आई हुई है, थ्री टाइप की वैक्सीन है, इनके सिर्फ नाम याद कर लेना, क्योंकि लास्ट बार जो आया था बाई वायलेंट के नाम से आया था, बाई वायलेंट वैक्सीन के नाम से आया था, तो बाई वायलेंट है वो, एचपीवी वैक्सीन है, इसका रूट भी आपका सेम रहेगा आईएम। उसके बाद में था क्वाड्री वायलेंट, क्वाड्री वायलेंट, और एक था आपका नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट। ये तीनों वैक्सीन्स यानी थ्री टाइप की इंडिया में वैक्सीन्स है, और जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है वो है आपकी बाईवैलेंट वैक्सीन्स। तो इसका जो रूट है वो क्या रहने वाला है, आईएम। उसके बाद में नेक्स्ट वैक्सीन देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट वैक्सीन आपकी एक बार बीसीजी बता रहा हूं, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं टॉपिक से वो देखने वाले हैं। बीसीजी वैक्सीन फुल फॉर्म क्या है इसकी, बेसिलस क्लेमेट ग्वायरिन वैक्सीन, ठीक है। उसका जो रूट रहेगा वो कैसा रहता है, रूट रहता है इसका इंट्राडर्मिस, यानी सबकुटेनियस रूट, उसका सॉरी इंट्राडर्मिस रूट से, डर्मिस रूट से इसका यूज करते हैं, और इसकी जो डोज होती है वो फिक्स रहती है एज ग्रुप के बेस पे, एज ग्रुप के बेस पे फिक्स रहेगी। अगर आप दे रहे हो 1 मंथ तक, टिल 1 मंथ दे रहे हो, टिल 1 मंथ तक यूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में रहती है इसकी 0.05 ml। उसके बाद में 1 मंथ से, 1 मंथ से 1 ईयर, यानी वैक्सीन्स को कब तक यूज करेंगे, 1 ईयर तक यूज कर सकते हैं, उस कंडीशन में इसकी डोज रहेगी 0.01 ml। उस कंडीशन में इसकी डोज कितनी है, 1 मंथ के बाद में 0.1 ml, ठीक है। और 1 बर्थ से लेके, यानी बर्थ से 1 मंथ तक कितना रहेगा, 0.05 ml। यानी अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, डोज का पूछा जाएगा 1 मंथ तक कितने देंगे और ये कितने देंगे। उसके बाद में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि कब तक दे सकते हैं, तो 1 ईयर तक इस वैक्सीन को यूज किया जा सकता है, यानी 12 महीने के बाद या 1 ईयर के बाद इसको नहीं देंगे। उसके बाद में इसका डाइल्यूशन का क्वेश्चन आता है कि किस में डाइल्यूट करते हैं, तो जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन विद करते हैं इसको एनएस, एनएस में नॉर्मल लाइन में डाइल्यूशन करते हैं, कभी भी डिस्टिल वाटर में डायल्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अगर डिस्टिल वाटर में इसको डायल्यूट करते हैं तो इरिटेशन करती है या एक रिएक्शन करती है। उसके बाद में इसकी अगर साइट की बात करें, अगर साइट की बात करें तो साइट कौन सी रहती है, लेफ्ट अपर आर्म, या लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स बोल सकते हैं, अपर आर्म। उसके बाद में था कि ये एक परमानेंट स्कार, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी वैक्सीन है वो परमानेंट अपना स्कार छोड़ेगी, तो परमानेंट स्कार किससे बनने वाला है, सिर्फ बीसीजी वैक्सीन से, परमानेंट स्कार, परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन होगा, और ये जो स्कार होता है ये विद इन 6 वीक के अंदर बन जाता है, जो ब्लिस्टर बनते हैं, यानी 1 to 6 वीक में इसका फॉर्मेशन हो जाता है परमानेंट स्कार का, ब्लिस्टर के पहले रेड स्मॉल ब्लिस्टर बनते हैं, उसके बाद में ये हो जाता है स्कार में चेंज और परमानेंट में रहता है। उसके बाद में जो ओपन वायल थी, जो डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्डेड ओपन वायल, आपने ओपन वायल कर लिया, उसमें मिक्स कर लिया, डोज बच गई, तो उस वायल को आप कब तक यूज कर सकते हो, यानी अप टू 6 आवर तक इसको यूज करने वाले हैं, 6 आवर के बाद में उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। उसके बाद में इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है, जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो रहेगा 2,
डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने वाला है। साइड इफेक्ट इसका फीवर, हेडेक और स्वेल ग्लैंड, जो आपकी ग्लैंड होती है पैरोटॉइड्स या सलाइवरी ग्लैंड होती है, उनमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं एक बार। पहला, एचआईवी में नहीं देते, एचआईवी में यूज नहीं करेंगे। इम्यूनो डेफिशिएंसी है उसमें यूज नहीं करने वाले, कोई भी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है उसमें यूज नहीं करते। लाइव वैक्सीन है, लाइव एटेनेट डेफिशिएंसी। उसके बाद में आपका ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया में भी इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट वैक्सीन के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार इन सभी को अच्छे से देख लेना, और नेक्स्ट क्लास में इससे इंपॉर्टेंट जितने भी वैक्सीन से बनेंगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कुछ है जैसे डेंगू वैक्सीन है कि डेंगू वैक्सीन को कब देंगे, या छाया जो टेबलेट या एक नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव चला है तो उसका रूट क्या है, ये अपने देखने वाले नेक्स्ट क्लास में। और जो अदर्स वैक्सीन जो लॉन्च हो रही है मेजल्स, वो अपने सभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसको कब और कैसे यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू।